अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनका नाम था तेग बहादुर जी, इनकी शहादत दिवस मनाया गया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी परीक्षाओं में आपके धर्मों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं, फिर चाहे आपका हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, या फिर आप देखिए आपका इस्लाम धर्म हो, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन सभी धर्मों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। और देखिए, स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, या फिर आपके और भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं या सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, इन सभी में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और आप लोग अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर भी मालूम चल पाएगा कि इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि गुरु तेग बहादुर के बारे में एक सामान्य जानकारी दे देंगे, सिख धर्म के बारे में भी हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, और जो आपके सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनके बारे में भी एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जान लेंगे। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए इस बात को तो मुझे लगता है कि आप लोग एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे कि जो सिख धर्म है ये मानव सेवा पर कुछ ज्यादा ही जोर देता है। और आप लोग देखते होंगे कि इनके लंगर जो सिस्टम है वो हमेशा चलता रहता है, 12 महीने चलता रहता है। कहाँ भी आप, अभी अभी आपने देखा है किसान आंदोलन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा किसी ने सेवा की तो वो सिख धर्म के लोग थे, ठीक है? तो हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस मनाया गया है। और अगर हम लोग गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में बात करें तो 1621 से लेकर 1675 तक इनका समय रहा है, इनका जीवन काल रहा है। और गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। कौन से नंबर के थे? 9वें थे। हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जो गुरु तेग बहादुर साहब थे 21 नंबर के सिख गुरु थे, तो याद रखिए 9वें थे। और जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक यानी कि श्रेष्ठ दी चादर के रूप में याद भी किया जाता है। तो याद रखिए, मानवता के रक्षक के रूप में किन्हें याद करते हैं आप लोग? गुरु तेग बहादुर साहब को। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे, और जिन्होंने आध्यात्मिक ईश्वर और मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन भी किया हुआ था, विस्तार से इसमें इसके बारे में बताया हुआ था। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। और ये एक उत्साही यात्री भी थे, और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। गुरु तेग बहादुर ऐसे एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक नानकी शहर की स्थापना की थी, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। और गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में 1675 में दिल्ली मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। एक क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो गुरु तेग बहादुर थे इन्हें किस मुगल सम्राट ने के द्वारा मरवा दिया गया था या मार दिया गया था। तो याद रखिए, औरंगजेब के द्वारा इन्हें मरवा दिया गया था। ये आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अगर आप लोग सिख धर्म की बात करें तो वैसे आप लोगों को बता चुका हूं कि इनका एक सेवा, अगर आप लोग धर्म के बारे में कहें तो काफी अच्छा धर्म आप कह सकते हैं। तो पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य, छात्र। और सिख भगवान के शिष्य हैं, जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। और सिख एक ईश्वर एक ओंकार में विश्वास करते हैं, यानी कि एकेश्वरवाद है। और सिख अपने पंथ को गुरुमत यानी कि गुरु का मार्ग कहते हैं। और सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। और गुरु नानक देव के बारे में अगर बात करें तो इनका जीवन काल 1469 से लेकर 1539 तक रहा था, और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, गुरु नानक साहब ने। और सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से काफी प्रभावित भी था। कैसा रहा? प्रभावित भी रहा। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया। खालसा पंथ आप लोगों ने सुना है ना, और जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। और आप देखिए, काफी अपने धर्म को बचाने के लिए इन लोगों ने काफी एक तरह से संघर्ष किया हुआ है।
और ऐसा भी माना जाता है कि देखिए जो सिख गुरु थे इन्होंने हिंदुओं की रक्षा भी काफी की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, जिसका अर्थ होता है शुद्ध पंथ, की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है और ये पंथ की पांच निर्धारित भौतिक वस्तुओं को धारण करते हैं, जो है क्या है? केस, एक तो बिना कटे बाल कंघा, लकड़ी की कंघी, कड़ा, एक लोहे का कंगन और कच्छा, सूती जांगिया, और कृपाण, एक लोहे का खंजर। इन पांच को याद रखिए। कभी कभी आप लोगों को क्या होता है कि सिविल सर्विस हो या आपका देखिए स्टेट बीसीएस हो या बनडे एग्जाम हो, तो उनमें इस तरह से पूछ लेता है कई बार कि जो सिख धर्म की पंथ की पांच निर्धारित भौतिक वस्तुएं हैं उनमें से कौन इसमें से है या नहीं है, या सिविल सर्विस में आप लोगों को चार पांच ऑप्शन दे देगा नीचे और आपसे पूछेगा कि इनमें से पांच जो सिख धर्म की वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, कौन सी इनमें से शामिल है। तो याद रखिए, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण का से शुरू होते हैं। यह उपदेश देता है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग भगवान की नजर में समान है। वैसे तो आप लोग भी जानते हैं कि देखिए ऊपर वाला परमात्मा एक ही है, अब आप उसे मान अलग अलग रहे हैं, कोई सिख धर्म से मान रहा है, कोई आप बौद्ध धर्म के हिसाब से, कोई आप कह सकते हैं कि एक तरह से हिंदू धर्म के हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से, लेकिन ऊपर जो बैठा होगा, जो भी भगवान होगा, वो एक ही होगा, ठीक है। और सिख साहित्य की बात करें तो आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी कारण इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी आप लोग जानते हैं। दसम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद भी है। अब आपके आते हैं सिख धर्म के 10 गुरु, तो इनमें से कौन कौन से हैं आपके, और इन सभी के बारे में एक एक करके पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गुरु नानक देव के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले नंबर आता है गुरु नानक देव का, और इनके जीवन काल की अगर बात की जाए तो 1469 से लेकर 1469 से लेकर कब तक इनका जीवन काल रहा है, 1539 तक रहते हैं। और आपको बता दूं कि ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो आप लोगों से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बता देना है कि गुरु नानक देव थे, और इन्होंने गुरु लंगर की शुरुआत भी की थी। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिख धर्म है, गुरु लंगर की जो व्यवस्था की जाती है, जो चलती है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखिए, गुरु नानक देव के। और आपको बता दूं, वह बाबर के समकालीन थे। जिस समय बाबर हमारे देश में आया हुआ था, उसी समय इन्हें भी आप लोग देखेंगे। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत भी हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। अब दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु अंगद। इनका समय रहता है 1504 से लेकर 1552 तक। इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया था और गुरु का लंगर प्रथा को और आगे बढ़ाया और लोकप्रिय बनाया। गुरु का लंगर प्रथा शुरू की है गुरु नानक देव ने, इसे आगे बढ़ाने का काम किया गुरु अंगद ने। फिर आपके आते हैं गुरु अमरदास, और इनका समय रहता है 1479 से 1574 तक, और इन्होंने एक आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी, और इन्होंने सिखों के बीच सस्ती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को सती, माफ करिए, सस्ती नहीं, सती, पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में सती प्रथा और पर्दा व्यवस्था काफी हुआ करती थी, तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने का काम किसने किया, गुरु अमरदास ने। और आपको बता दूं कि जब हमारे देश में अकबर मुगल सम्राट था, उसी समय इनका भी समय था, ठीक है, तो ये समकालीन थे। फिर आते हैं आपके गुरु रामदास, और इनका 1534 से लेकर 1581 तक इनका जीवन काल रहता है। इन्होंने 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की थी। किसने? गुरु रामदास ने। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर की निर्माण शुरू किसने करवाया था, तो गुरु रामदास ने। फिर गुरु रामदास के बाद आते हैं आपके गुरु अर्जुन देव। इन्होंने 1600, इनका समय रहता है 1563 से लेकर 1606 तक, और इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था? गुरु रामदास ने।
और इसे पूरा करवाने का काम किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। और वे शाही दीन देर सरताज के रूप में विचलित थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। और इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, किस मुगल सम्राट ने? तो याद रखिए जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इनके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद साहब, और इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया, और इन्हें सैनिक संत भी कहते हैं। सैनिक संत किसे कहते हैं? गुरु हरगोविंद को। और 1594 से लेकर 1644 तक इनका समय रहता है, यानी कि इनका जीवन काल रहता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और अमृतसर शहर को मजबूत किया था। ये अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, तो गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हर राय, और 1630 से लेकर 1661 तक इनका जीवन रहता है। और ये शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया था। गुरु हर राय के बाद आते हैं आपकी गुरु हर किशन, और 1656 से लेकर 1664 तक इनका समय रहता है, इनका जीवन काल एक तरह से आप कह सकते रहता है। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे, और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन भी जारी किया गया था। किसके खिलाफ? गुरु हरकिशन के। किसके? गुरु हर। फिर आप देखेंगे नंबर आता है गुरु तेग बहादुर का। किसका? गुरु तेग बहादुर का। और इसमें आप देखेंगे कि इनका समय रहता है 1621 से 1675 तक। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। ठीक है, फिर आपके गुरु गोविंद सिंह आते हैं। 1666 से लेकर 1708 तक इनका समय रहता है, यानी कि जीवन काल रहता है। इन्होंने 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की थी, और इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल जोड़ा था। तो ये पूछा जा सकता है कि पाहुल संस्कार किसने जोड़ा था? गुरु गोविंद सिंह ने। वह बहादुर शाह के साथ एक कुलीन के रूप में शामिल भी थे, और ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु में नामित किया था। तो ये कहानी थी आपकी सिख धर्म की, और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सिख धर्म के बारे में भी कुछ पॉइंट आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने 10 गुरुओं के बारे में भी पढ़ा है, और मुझे लगता है कि इतना काफी है। अगर क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आएंगे तो आप लोग बेहतर इसके आंसर भी देने में सक्षम रहेंगे। ठीक है।